अच्छा दादा सुनो, याद है पिछली बार आप आए थे, मैंने आपको स्क्रिप्ट सुनाई थी, एक कहानी सुनाई थी। दादा मेरे को ना एक पिक्चर बनानी है, डायरेक्ट करनी है, और आप अगर प्रोड्यूस कर दें, मैं बता रहा हूँ पिक्चर हिट हो जाएगी। एक चीज तो पक्का बिकेगी, या तो पिक्चर या आपकी प्रॉपर्टी। अरे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या रे? स्क्रिप्ट के बकवास होने के कारण और एक्टर के रद्दी होने के कारण आपने उस फिल्म में पैसा नहीं लगाया। इट्स अ वाइज डिसीजन आई बिलीव। एक्टर कौन था? एक्टर था डिसगाइज में। हाँ। जब डिसगाइज निकला तो यही था। अच्छा, मगर अभी मेरे पास एक बहुत ही मजेदार बिजनेस मॉडल है, लेकिन सुनने के बाद सोचूंगा इन्वेस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। दादा चिल्लड इन्वेस्ट करने आपको कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है वो इन्वेस्टमेंट। आपको जेब में हाथ डालना है, 100 करोड़ रुपए यूं हाथ में दे देने, मेरे कुछ नहीं है। बट भैया वो स्क्रिप्ट जैसी बकवास नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। बकवास बकवास जोक मारते रहते हो, फिर से एक जोक सुना मुझे। अरे नहीं यार, क्या? अरे नहीं 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 लिजेल। हाँ। तुम मुझे ऐसी दो बात बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरे से गुस्सा हो जाऊं। रेमो, पहली बात, तुम मेरी जिंदगी हो। लिजेल, अच्छा थैंक यू। दूसरी बात रेमो, और दूसरी लालत है ऐसी जिंदगी। दादा क्या क्या लिखवाते हो आप मुझसे? कल रात को इतना बड़ा चिट्ठा लिखा, मैं नहीं ऐसा दादा, आप तो चले जाओगे मुझे मारेंगे। दादा दादा ये सब आपका है? नहीं, हाफ मेरा है, हाफ। इसीलिए बार बार ऐसे मेरे को एक एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। एक यू नो यू फील गुड, नाइस। चलो सुनाओ। एक शानदार आलीशान जिंदा बहार अमेजिंग मल्टी क्यूजीन रोड साइड अंडर स्टॉल। रोड साइड अंडर स्टॉल। अंडर स्टॉल। आप लोग 2 मिनट अपना चू चड़ाक बंद करेंगे, मैं